ये है चाहते में लीजिए, काशवी जो है वो इस बात से अनजान है कि उसका बच्चा जिंदा है। वो क्या है ना कि महिमा जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस माँ बेटे की मुलाकात हो ही ना, कम से कम इस नए साल में तो ना ही हो। जब से काशवी को पता चला है कि उसका बच्चा जिंदा है और उसे लगता है कि नील ही उसका बच्चा है, जबकि सच से वो अनजान है, करुण से वो मदद चाहती है कि नील उसे समझाए। अब करुण को ऐसा लगता है कि काशवी के साथ उसका कोई रिश्ता जरूर है। काशवी और करुण गले मिल रहे थे तब देखिए महिमा की भी एंट्री हो गई। अब महिमा जितनी कोशिश कर रही है एक करुण और काशवी को दूर रखने की, उतना ही वो दोनों करीब हो रहे हैं। वो जानती है कि अगर वो इसी तरीके से मिलते रहे तो महिमा का भंडा फूट जाएगा। अभी तक तो पता नहीं चला है, बट मुझे वो डर है कि पता न चल जाए, क्योंकि होता है ना हमने चोरी की है तो एक डर लगा रहता है कि कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ, कभी पकड़ी जा सकती हूँ, क्या पता एक झूठ मेरा छुप ना पाए। और मैंने तो कितने झूठ करुण से भी बोले हैं, तो मैंने करुण को ये भी बताया कि काशू कितनी बुरी है, उसके बावजूद वो उसके साथ घूम रहा है, कर रहा है, तो बच्चा है मुँह से निकल जाए कभी, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो मन निकल जाए मुँह से कभी कि मम्मा ने आपकी बुराई की थी, ये बोला था वो बोला था, तो फिर मेरा झूठ पकड़ा जा सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कॉशियस रहने की जरूरत है। आज जो काशवी को लग रहा है कि नील उसका बेटा है, उसे कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा कि उसका बेटा करुण है। अभी वो चाहती है कि वो नील को हक करे, वो मना कर देता है, तो करुण बीच में आता है और बोलता है प्लीज ना, शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी आंटी, तो प्लीज इनको हक कर दो। तो काशवी थोड़ी खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट हक तो मिली। वैसे जहाँ तक सीरियल का एक्सपीरियंस हमें है, इतने जल्दी कभी भी इस सच्चाई का खुलासा होता नहीं है, क्योंकि अगर खुलासा हुआ तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वैसे ना पर्दे के पीछे का एक नजारा आपको दिखाते हैं, जहां पर काशवी की टांग खिंचाई की जा रही है। इनकी तरफ कीजिए जरा कहना, जो अपना ऊंची आ रहे हैं वो की पागल हो क्या, लॉन हुआ है, प्लीज आप बोलिए। ये जो सच है, तीन एक दो तीन अब इसमें भी अपना ही एक अलग मजा होता है। और वैसे भी दर्शकों को ना पर्दे के पीछे की मस्ती देखने के लिए बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।